हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हैं हम एल्जेब्रिक ट्विंस की जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप के एक्सप्रेशंस को, किस टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम एल्जेब्रिक ट्विंस की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या है एंड उसी सॉल्विंग में क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि हर उस प्रॉब्लम को जो कि किस फॉर्म की है, ध्यान से समझिए, जो कि इस फॉर्म की है कि इंटीग्रल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल है, लेकिन साथ में क्या है, साथ में अगर मेरे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो है, ठीक है ना, तो उसे मैं एल्जेब्रिक ट्विंस जो मैनिपुलेशन है उसकी हेल्प से कर सकता हूं। ओके, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था, रूट ऑफ टेन एक्स को किया था, और ये इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने असाइनमेंट में दी थी और मैंने आपको बताया था कि हर प्रॉब्लम जो इस फॉर्म की है वो एल्जेब्रिक ट्विंस की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, तो अब उसे कैसे करेंगे, यहाँ पर भी मैं आपको ऐसा करता हूँ कि लाइक थोड़ा सा और अच्छा हो जाए ये प्रॉब्लम, यहाँ पे थ्री कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम का लाइक इसे मैं सॉल्व करूंगा और ये आपको बताऊंगा कैसे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव केस है और ये तरीका है जिसकी हेल्प से हम इस टाइप की सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, कंसंट्रेट करिए। फर्स्ट स्टेप आपको लेना है कि एक्स स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। ओके, तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से देखिए, ऊपर का जो एक्सप्रेशन है, ऊपर का एक्सप्रेशन मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में मेरे पास आएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। साथ में एक स्टेप और लेना है आपको कि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है या फिर एक्स पावर फोर का कोफिशियंट है, उसको वन बना दीजिए। मैं यहां तक आ गया हूं, ये 1/3 आ जाएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, 3 कॉमन ले लेंगे एंड 2 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और यहां पर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहां पर कितना आएगा, बनाने की जरूरत थी तो नहीं वैसे, चलो अब लिख दिया तो कोई बात नहीं, लाइक ये आएगा मेरे पास 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, ये फॉर्म में आ गया, इससे तो कोई टेंशन है नहीं। तो इस इंटीग्रल को हम कैसे करें, अब ये मेरे पास ये रेंज है, इस इंटीग्रल को कैसे किया। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो टर्म्स है, ये जो दो टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन को साइड से लिख लेना है, यहां पर लिख लिया मैंने, इनको साइड से लिख लेना है। ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स स्क्वायर, ये लिखिए। ओके, अब जैसे ये किस किस में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, इस पर फोकस करना है, तो ये किस किस में कन्वर्ट होगा उसको समझना अच्छे से, ये किस किस में कन्वर्ट होगा, ये मेरे पास एक तो कन्वर्ट किसमें होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ध्यान से देखिए, एक्स प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 एक्स का होल स्क्वायर, सही है, इसमें कन्वर्ट होगा, लेकिन माइनस में क्या आएगा, माइनस 2 रूट 5 अपॉन रूट 3 आएगा, क्या ये सही है। मैंने ये देखा कि किसके एक्सपेंशन में ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके बराबर आ जाएगा, काफी जनरल फॉर्म है, इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आपकी कभी गलत नहीं होगी और ये जो तरीका है काफी अच्छा है एंड इससे काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दूसरा, ये किसमें कन्वर्ट होगा,
एक्स माइनस रूट थ्री रूट फाइव अपॉन रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू रूट फाइव टू रूट फाइव अपॉन रूट थ्री, इन दोनों में ये कन्वर्ट होगा। तो जैसी जहां पर इसकी जरूरत होगी वैसे हम करेंगे। ओके, वहां पर क्या हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर था, सिंपल था। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एंड एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा जनरल फॉर्म है तो हम ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला जो स्टेप आपको लेना है, अगला स्टेप एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आप कैसे क्रिएट करेंगे, सही से देखना, आपको क्या लिखना है कि यहां पर इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसमें ए का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, वन माइनस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री का एक्स स्क्वायर, ये आ गया, इसका एक डेरिवेटिव लिखा है मैंने, इसका डेरिवेटिव सही है। एंड प्लस क्या करना है, ये आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, और ए और बी मैंने ऐसे इसका काफी तरीका आपको बताया है, काफी लोगों को आता ही है, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। प्लस बी और इसका डेरिवेटिव सेकंड वाले का कितना आएगा, वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री एक्स स्क्वायर, ये आ गया सही है। तो ये वहां पर काफी आसान था, टू आया था तो डायरेक्ट एड करके आया था, एंड ये मुझे आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और इसको इक्वल करना है टू प्लस थ्री वाई एक्स स्क्वायर के, यही करेक्ट था। कंसंट्रेट करिए, अब मेरे पास एक पार्ट क्या आया, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, ओनली आपको तरीका बता रहा हूं जिसकी हेल्प से आप इस टाइप की प्रॉब्लम को हिट कर पाए, और वो डाउट आया था जो नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई ये मैंने आपको बताया, ये मेरे पास ये स्टेप आ गया। ओके, क्या यहां से ये और भी निकाल सकते हैं, काफी तरीके, आइडेंटिटी है, ये और भी यहां से आराम से आ सकता है और वो आप ही निकालेंगे, मैं नहीं करूंगा। नाउ फोकस हियर कि यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कंपेयर करूं कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी, सही है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो बी रूट फाइव अपॉन रूट थ्री, सिंपल ही है वैसे, माइनस ए रूट फाइव अपॉन रूट थ्री, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास थ्री। मैंने और भी तरीके हो सकते हैं, यहां से ए भी नोन है मेरे पास और बी भी नोन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अच्छे से समझ में आ चुका है, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। ओके, बात समझ आ गई, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इंटीग्रल से। अब ये जो पार्ट है मेरे पास टू प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर, इसको सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा, इस फॉर्म में लिख दूंगा, ये डायरेक्शन में मैनिपुलेशन करूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए, ये मेरे पास आएगा ए कितना आएगा, वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री का एक्स स्क्वायर, सही है। और लाइक बी वन माइनस ए वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री का एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया, ये लिख दिया। इंटीग्रल है वो वन बाई थ्री यहां चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डी एक्स आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सेम ही रखा मैंने, फाइव बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री। ओके, अब ध्यान से समझना, हम ये प्रॉब्लम क्रैक हो चुका है और इसके आगे आप ही करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ढंग से समझिए, मुझे बस स्टेप्स आपको सिखाने थे, वो हो चुके हैं। ये मैंने वन बाई थ्री लिखा, ठीक है, एक इंटीग्रल दो पार्ट में इसे मैंने ब्रेक कर दिया, ये दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बात समझ आया। नाउ फोकस हियर, जब मैं ऊपर का पार्ट लिख रहा हूं तो ये मेरे पास ए है और वन माइनस कितना आएगा, वो ट्विंस का जनरल फॉर्म है ये और काफी काम का है, रूट थ्री लिखा और ये एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये आ गया मेरे पास। बी लिखा यहां पे, बी में क्या आएगा, वन प्लस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री का एक्स स्क्वायर। अब मुझे लगता है जिन्होंने फर्स्ट इसका जो किया था ट्विंस मैनिपुलेशन में, जो मैंने पहली प्रॉब्लम ली है या पहला जो कंसेप्ट आपको बताया है, इजीएस्ट फॉर्म और ये जनरल फॉर्म है,
तो उनकी अब ये समझ में आ गया होगा कि इसके नीचे क्या लिखना है। इसके नीचे वो लिखना है जिस इसे उस फॉर्म में लिखना है जिसका डेरिवेटिव ये है। तो ये कितना आएगा, अच्छे से देखिए, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये कितना आएगा मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा x प्लस रूट फाइव अपॉन रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव अपॉन रूट थ्री प्लस टू बाई थ्री, सही है। और इसके नीचे क्या लिखूंगा, अब मुझे लगता है कोई भी दिक्कत है नहीं और आप प्रॉब्लम के काफी पास पहुंच चुके हैं। इस स्टेप के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आना ही चाहिए। होल स्क्वायर आएगा एंड टू रूट फाइव अपॉन रूट थ्री आपको पूरा करना है प्लस टू बाई थ्री। और फोकस हियर, हम प्रॉब्लम इससे आगे मैं ये नहीं बताने वाला, इससे आगे मैं नहीं बताने वाला, जो क्रैक था वो पूरा का पूरा मैंने बता दिया है। नाउ फोकस हियर कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व हुआ है। ढंग से समझिए ये कैसे सॉल्व हुआ है, उस बात को मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने क्या किया कि लाइक जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझना, जैसे ही मैं देख रहा हूं कि मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को फोकस करो, इसको अगर मैं टी मानूंगा, समझे, तो ये डी टी में आ जाएगा, सॉल्व हो गया, टी स्क्वायर माइनस एल एन में आ जाएगा आंसर, डिपेंडिंग ऑन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात समझ आ रही कि नहीं, ये नेगेटिव ही होगा, ये आंसर एल एन में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके प्लस का हो जाएगा, वन बाई टू लिख के बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख देंगे, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और जो कि कितना होता है वन अपॉन टू ए एल एन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स एल एन एक्स प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। ओके, अब अगर मैं यहां पर फोकस करता हूं, इसको अगर मैं टी मानूंगा, इसको अगर मैं टी मानूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dt में आ जाएगा भाई, और ये dt में आया तो t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनवर्स में आ जाएगा। तो ट्विंस का ये जनरलाइज्ड फॉर्म हुआ, और इस टाइप से मैं कभी भी px स्क्वायर प्लस q अपॉन ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है मैं कभी भी इसे इस तरह से कर सकता हूं, और मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है। ये अब आपके लिए ये लविंग फॉर्म होनी चाहिए, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया है। एंड इसे भी टिल आंसर तक आपको करना है, इसे भी टिल आंसर तक करना है, जो रिजल्ट है अप्लाई करके इसे टिल आंसर तक सॉल्व करना है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है मेरे पास, पहला स्टेप मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर रिजल्ट लगाने में आसानी रहती है कि मैंने क्या किया कि एक्स के जो कोफिशियंट हैं ये जो कॉफिशियंट्स हैं x प्लस रूट फाइव बाई रूट थ्री, यहाँ पे वन बना लिया। अब इसके बाद इस टर्म पर फोकस किया है, बात समझ आ गई, इस टर्म पर फोकस करने के बाद ये यहां तक आ गए। हम पहला एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, सबसे पहले क्या चेक किया कि इसका डी कैसा है, इसका डी निगेटिव है, डी स्क्वायर माइनस फोर सी। फिर इसके बाद यहां तक आ गए, इसके बाद मैंने इस पर ढंग से फोकस किया, और जब मैंने इसे ढंग से फोकस किया तो मैंने देखा कि ये किन किन में होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, कौन कौन ये स्टेप काफी काम का है ये वाला स्टेप। ये इसके बाद क्या है, जो टू और ये था थ्री बाई एक्स स्क्वायर था, ये आइडेंटिटी बनाई, एंड आइडेंटिटी की हेल्प से ए और बी को निकालना एक काम है, और उसे निकालने के काफी तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि यहाँ से ए और बी हम निकाल सकते हैं। मुझे लगता है इसे मैंने इस पर फोकस किया, एंड ये दो इक्वेशन बनाई है, इनसे मैं ए और बी निकाल सकता हूँ, कोई भी दिक्कत है नहीं। बाद में लिखना चाहिए, फाइनल आंसर के बाद ए और बी निकालना चाहिए। ओके, इसके बाद एक एल एन में आ रहा है, एंड एक किस में आ रहा है मेरे पास, एक एल एन में आ रहा है और एक टेन वर्स में आ रहा है, वो रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। ओके, तो रूट टेन एक्स ट्विंस में, अलजेब्रिक ट्विंस में अगर मैं बात करता हूं,
तो आप लोग परफेक्ट हो चुके हैं, इसे पूरा करना, रूट टेन एक्स, रूट क्वाट एक्स एंड लाइक इस टाइप का जो एक्सप्रेशन बनता है, अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन बनता है जिसमें ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इस टाइप का फॉर्म है और साथ में क्या है, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है और उसका डी लेस देन जीरो है, तो इसका ये मैं प्रॉब्लम सब कुछ से कर सकता हूं। ओके, बात समझ आ गई? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ट्विंस में अब कोई दिक्कत नहीं है, एलजेब्रिक ट्विंस में। और इस सेशन को जो प्रॉब्लम है फिल आंसर तक आप करिए और एलजेब्रिक ट्विंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप अच्छे से आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ओके, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताइए और मैं आगे के सेशंस में उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। ओके।